नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कई मरीज़ जिनको L4-5, L3-4 या L5-S1 रीजन की दिक्कत है, वो हमें MRI रिपोर्ट भेजते हैं, वो हमारे वीडियोस देखते हैं और कई मरीज़ का ये कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कैसे आपके मरीज़ सुबह अगर ऑपरेशन किया है तो उसी दिन शाम को चलना शुरू कर देते हैं, या फिर सुबह ऑपरेशन किया है तो दूसरे दिन सुबह दर्द के बिना कैसे चलना शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि हमारी टेक्निक कैसे यूनिक है, स्पेशल है, कि जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि L4 L5 जैसे उसमें स्लिप डिस्क है और अगर आपको स्क्रू डालने की एडवाइस दी गई है तो मोस्टली सब जगह क्या किया जाता है कि ये L4 है उसमें दो स्क्रू डाले जाते हैं, L5 जो है उसमें भी दो स्क्रू डाले जाते हैं और ये दोनों के बीच में जो गादी है, जो जहाँ पर से स्लिप डिस्क हो गया है, वो डिस्क को निकाल दिया जाता है। ये डिस्क को निकालने के बाद उसकी जगह एक मेटल का केज रखा जाता है। अब ये मेटल का केज रखने के लिए क्या करना पड़ता है, जो L4 L5 के बीच में स्क्रू डाले गए हैं उन दोनों के बीच से ये मेटल का केज डाला जाता है। अब ये मेटल का केज डालने के लिए L4 L5 के बीच का जो फैसेट जॉइंट, जो छोटा सा जोड़ होता है, उसको निकाल दिया जाता है। सब जगह ये किया जाता है कि डीकम्प्रेशन करने के लिए, नस के ऊपर का दबाव हटाने के लिए और साथ ही साथ में ये केज डालने के लिए दोनों साइड के जॉइंट्स निकाल दिए जाते हैं। राइट साइड का जॉइंट भी निकाला जाता है, लेफ्ट साइड का जॉइंट्स भी निकाला जाता है। इसके कारण क्या होता है कि मरीज को दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है, डीकम्प्रेशन तो हो जाता है लेकिन इसमें स्टेबिलिटी भी कम रहती है, तो मरीज़ को जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड होता है उससे थोड़ा सा कम मिलता है। हमारी टेक्निक कैसे यूनिक है, हम जो भी ऑपरेशन करते हैं उसमें 99% केसेस में हम सिर्फ एक ही साइड का जॉइंट निकालते हैं और दूसरी साइड का डीकम्प्रेशन हम ये जॉइंट निकाले बिना ही ख़त्म करते हैं। सिर्फ एक साइड का फैसेट जॉइंट निकाला जाता है तो तीन तरह के सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला कि एक ही साइड का जॉइंट निकाला जाता है तो इसमें मरीज़ को दर्द बहुत ही कम होता है क्योंकि दूसरी साइड का जॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल है जो थोड़ा सा वज़न ले सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि डीकम्प्रेशन जो है वो इससे ही ख़त्म हो सकता है कि दूसरी साइड का जॉइंट निकाले बिना ही हम कर लेते हैं, तो ये उसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि L4 L5 में हम स्क्रू डालते हैं, जो हमारा उद्देश्य रहता है कि ये L4 और L5 फ्यूज़ हो जाए, तो उसके लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। एक साइड का जॉइंट निकाल दिया जाता है, दूसरी साइड का जॉइंट अगर रखा जाता है तो उसके कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। ये L4 L5 एक दूसरे के साथ जुड़ने की संभावना बहुत अच्छी रहती है और इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको स्क्रू डालने की सलाह दी गई है तो ये यूनिक टेक्निक जो है यूनिलैटरल फैसेट रिमूवल की या फिर यूनिलैटरल पार्स रिमूवल की, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इससे मरीज़ को बहुत ही कम दर्द होता है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये नॉन यूनियन के चांसेस भी कम रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी कम रहते हैं, मरीज़ दूसरे दिन चलना शुरू कर देते हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग में किया गया हो ऑपरेशन तो उसी दिन शाम को मरीज़ चलना शुरू कर सकता है और उनको कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। ये बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है। आपको अगर ऐसे कोई भी दिक्कत है तो आप आपके MRI रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि आपको सबसे अच्छा रिप्लाई दे सके। धन्यवाद।